तो भाई पूरा बस में ना सोते सोते यहाँ तक पहुँचा। तो आपको पता ना कि ठंडा आने वाला है, तो अब ऑब्वियसली ठंडे कपड़ा ही चाहिए, ठंडे में पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। अभी मुझे सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जोर से भूख लगा है, चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिया, अभी भी हल्का हल्का नींद आ रहा है। सबसे पहले ना मुझे कहीं अपना फेस वगैरह धोना पड़ेगा, तब जाके ना एकदम नींद खत्म हो जाएगा, मजा आ जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। सो फिलहाल इस वक्त मैं हूँ तिनसुकिया में, एंड भाई साहब मैं अपने घर से ना तिनसुकिया आते वक्त ना भाई बहुत मस्त से सोया। भाई क्या हुआ ना, कल रात को मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया था क्योंकि ना मुझे वीडियो एडिट करना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरा नींद नहीं हो पाता। तो भाई पूरा बस में ना सोते सोते यहाँ तक पहुँचा। तो खैर अभी आपका ना 9:30 हो चुके हैं, एंड लाइक मुझे ना 3.5 घंटे लगे पूरा तिनसुकिया पहुँचने के लिए, एंड मेरे पास लाइक और 3 घंटे जैसे, 3 घंटे भी नहीं है लाइक, हाँ 3 घंटे जैसे करीब है, उसके अंदर मुझे पूरा मार्केटिंग करना है। एंड क्या क्या मार्केटिंग करेगा वो आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा ऐसे, क्योंकि मार्केटिंग का मैं बहुत सारा वीडियोस बना चुका हूँ, तो थोड़ा सारा कुछ कुछ दिखाऊंगा जो कि एक्टिविटीज है। एंड मुझे सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जोर से भूख लगा है, चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिया। अभी आपका तिनसुकिया का कुछ इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा। वैसे मैंने देखा ना तो बहुत सारे दुकान वगैरह अभी तक बंद है, शनिवार इसके लिए शायद इतना लेट से खोल रहे क्या। तो सबसे पहले मुझे ना इस तरफ जाके ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जो मेरा काम है वो आपका उस तरफ है, फिर चलते हैं। सुबह मॉर्निंग में इतना ज़्यादा ठंडा था, बट यहाँ पर अभी ना बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, एंड थैंक गॉड कि मैंने कुछ गर्म कपड़ा नहीं पहना। वैसे मैं सोच रहा था कि गर्म कपड़ा पहनूँ क्योंकि ठंडा ज़्यादा लग रहा था उस वक्त ना, बट नहीं पहना तो ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ये कुछ आपका थाना चारैली का रास्ता है, ऐसे इसी तरफ आपका थाना पड़ेगा। ये अभी भी हल्का हल्का नींद आ रहा है, सबसे पहले ना मुझे कहीं अपना फेस वगैरह धोना पड़ेगा, तब जाके ना एकदम नींद खत्म हो जाएगा। उससे पहले चाय भी देखना पड़ेगा क्योंकि सुबह से चाय वगैरह कुछ नहीं पिया। एंड हम लोग का एक गेट पड़ता है जो कि देरा गेट, वहाँ पर हम सभी लोग जाके नाम के चाय पीते थे, पर वहाँ पर भी मैं पूरा मस्त से सो रहा था, जिसके वजह से ना बहुत ज़्यादा नींद अभी बहुत ज़्यादा लेजी भी लग रहा है। तो इस तरह में आपका डेली बाज़ार है, जहाँ पर मतलब सब्जी वगैरह आपको ग्रीन सब्जी जो भी मिलते हैं ना वो सारे यहीं पे मिलते हैं। एंड थोड़ा बहुत आपको इधर दिखाऊंगा, एंड जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने सामान भी लेने, एंड मेरा जो होता है ना वो कपड़ा होते हैं ना, तो कपड़ा में चॉइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आप खुद सोच का हो पर वहाँ पर होता है कुछ और, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ सो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ भाई, बहुत जोर से भूख लगेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन आपका नया शॉप के लिए। थैंक यू भाई। भैया का पहले ये सामने वाला दुकान था, बट ये नया बना है, तो मैंने बोला कल आपको फोन किया था आपके पापा को, पापा को हाँ मैंने बोला था कल आ रहा बोल के, तो बोले ठीक है। तो ये रहा इनका नया शॉप भाई, एकदम ज़बरदस्त बना हुआ है। तो आज का जो मार्केटिंग मैं करने वाला हूँ, मतलब जो भी शॉपिंग वगैरह वो यहाँ से करने वाला, एंड नए नए आइटम्स कुछ आया है ठंडे को लेकर, क्योंकि अभी आपको पता है ना कि ठंडा आने वाला है, तो ऑब्वियसली ठंडे कपड़ा ही चाहिए, ठंडे में पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। सो भैया हेल्प करेंगे, एंड भैया भाई जब से आए ना तब से भैया को मिला ही हूँ। सो भैया दिखाएंगे अभी क्या क्या है यहाँ पर गर्म के लिए कपड़े, तो आपको पूरा दिखाऊंगा ना तो नहीं हो पाएगा, तो मैं अपना कपड़ा वगैरह पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या लिया। पहले भी आता था ना इनके दुकान पर, तो वहाँ पर हमें चाय वगैरह कॉफ़ी कुछ ना कुछ देते, तो आज फिर आया तो फिर मुझे मिला है मसाला वाला चाय। सो जब भी आता ना यहाँ पर टाइमिंग कोई मैटर नहीं करता कौन सा टाइम है, बट आए होते तो मतलब चाय मिलता है, इतना प्यार भाई कोई दूसरे दुकान में नहीं मिलेगा। थैंक यू भैया, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू थैंक यू, किसको थैंक यू बोलेगा, सभी लोग इतने अच्छे ना भाई क्या बोलो। सो खैर चाय आया तो चाय पी लेता है, एंड उसके बाद अपना ये शॉपिंग नहीं मार्केटिंग जो है कंप्लीट करके जल्दी जल्दी मुझे गाड़ी में भी जाके देना पड़ेगा, जैसे वो भैया चला जाएंगे तो उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा सोचने में हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी। Hours later. इतना कुछ सामान लिया जो कि मेरे कुछ 40,000 रुपया जैसे खर्च हुए, तो इतना ही सामान लिया। अभी ये सबको बस्ता में पैक किया जा रहा है, एंड पैक होने के बाद मैं इसको लेके जाऊंगा गाड़ी में रखने के लिए, क्योंकि अभी गाड़ी का मतलब आपका समय भी होने वाला है ना, 11:30 का और आधा घंटा बाकी है, आधे घंटे में हो जाएगा सब कुछ। A few inches later. अपना जो भी सामान लेकर आना था सब लाकर इस गाड़ी के अंदर रख दे, और विजय भी अच्छा से लेके जाएगा। ओके ब्रो। नहीं लेके गया तो लेके जाएगा डूर। और वहाँ पर बंधु भैया बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 2 बैग रख दिया, चले हम बाद में मिलेंगे आपसे, बाय बाय। अभी जा रहे हैं फिर से कहीं घूमने के लिए, अपना काम तो हो गया, एंड देखते हैं कि अभी कहाँ जाएंगे। वैसे भूख लगा है तो सोच रहा पिज्जा विज्जा ट्राई करें खाने के लिए, पिज्जा बर्गर समथिंग कुछ भी। तो इधर में भी एक नया ATC मॉल खुला है, उधर में भी बोल रहे हैं कि KFC खुला है एक्चुअली ना, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, खैर देखा जाएगा क्योंकि मुन्ना भैया का भी कुछ काम है, तो इनका काम कंप्लीट करवा लेते हैं
देन उसके बाद कुछ खाने पीने का सोचा जाएगा। मजा आ जाता है। कैसा लगा बोला भैया? थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ना भैया, थोड़ा ठंडा होना था। बर्फ बर्फ डाले नहीं आप? अरे आज पहली बार धूप दिया है 4-5 दिन के बाद, इसलिए बर्फ नहीं लाया। बर्फ डालना चाहिए तभी तो मजा आता। अब आज धूप दिया है, कल से बर्फ आएगा, इसी बार धूप देगा तो फिर बारिश से तो पीछे है पीछे। थैंक यू। और बस में, और बस नहीं, विंगर में हमें दिखे दो डेट्स मिले। वेलकम टू माई होम। एक्चुअली गाइस हुआ क्या ना, हम जिस गाड़ी से आने वाले थे थोड़ा लेट से ना, पर वो गाड़ी वाला क्या हो गया, डिब्रूगढ़ चला गया और कह रहा है कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लाइक 6 से 7 बजेगा। तो कौन इतने देर वेट करते करते वहाँ पर पागल जैसा घूमता रहा, कोई रहता भी साथ में तो हाँ चलो टाइम स्पेंड हो जाता बातचीत करके। एंड उसने एकदम एग्जैक्ट ना 1/2 आवर पहले बता दिया, अगर और थोड़ा लेट बताता ना तो अभी मैं घर पर भी नहीं पहुँचता। तो मैं एकदम जल्दी जल्दी करके बिना कुछ रिकॉर्डिंग कर, एक्चुअली मेरा प्लानिंग भी था मतलब कुछ कुछ खाने का जैसे मैंने आपको बताया था, पर क्या हो रहा है इतने जल्दी जल्दी में करके ना वहाँ से मतलब जहाँ हम गए थे बल्ब लेने के लिए, तो वहाँ से जल्दी जल्दी लेकर एंड बस स्टेशन है एंड तुरंत जाके गाड़ी मिला हमें, देन जाके मैं यहाँ पर पहुँचूंगा। एंड रास्ते में थोड़ा सा भूख भी लगा था तो फिर एक जगह हम रुके थे खाने के लिए, तो वहाँ पे हमने रोटी वगैरह खाया एंड उसके बाद यहाँ पर आ चुका है। अभी फ्रेश अप हो चुका है एंड अब थोड़ा चलते हैं मार्केट घूमने के लिए। एंड मार्केट तो ऐसे बंद है, फिर भी दोस्त लोगों के निकले होंगे मार्केट में, तो उनके साथ थोड़ा सा बैठे टाइम स्पेंड करते हैं एंड मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद।